नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आज पंजाब के किसान जाएंगे लखीमपुर खीरी। अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा और पटियाला से ट्रेनों और अपनी गाड़ियों से रवाना होंगे, कल देंगे धरना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का धरना लगाने के लिए आज पंजाब के किसान रवाना होंगे। किसान अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला से ट्रेन से जाएंगे। कुछ किसान अपने निजी वाहनों से भी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। किसान जत्थेबंदियों की बैठक में तय हुआ था कि 10,000 किसान पंजाब से लखीमपुर खीरी में इंसाफ की मांग के लिए जाएंगे। किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाड़ियों के नीचे कुचलकर मारे गए। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए किसान एक बार फिर से मोर्चा खोलने जा रहे हैं। यह मोर्चा केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ खोला जाएगा। कीर्ति किसान यूनियन से जुड़े किसान ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश जाएंगे। दोआबा और मांझा के किसान अपने निजी वाहनों से रवाना होंगे। किसानों के धरने के लिए राशन की रसद पहुंचाने के लिए ट्रकों की व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों फगवाड़ा में हुई पंजाब की 31 जत्थेबंदियों की मीटिंग में 10,000 किसानों के जत्थे को उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला हुआ था। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रधान मंजीत सिंह राय ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो वायरल करके सभी किसानों और नौजवानों से आह्वान भी किया।